चलिए देखिए सीरीज हियर। सब्जेक्ट साइंस क्लास 7 चैप्टर 2 है लेक्चर 8 टॉपिक लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है ना, हमारा टॉपिक क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। इसके पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आपने देखा था और स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन भी आपने देखे थे। नाउ सी टुडे वी स्टडी लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए यहाँ पे द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो वाइडर होता है और शॉर्टर। आफ्टर दैट बिफोर दिस ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है दिस इज आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन फॉलोज आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन फॉलो होता है इन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इस तरह से कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है। अब देख वॉइस में लिखा है कि लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर, थोड़ा सा चौड़ा होता है, शॉर्टर, थोड़ा शॉर्ट होता है, ज्यादा लंबा नहीं होता देन स्मॉल इंटेस्टाइन। फिगर में देख ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़े से क्या होते हैं, पतले होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन चौड़े होते हैं। देखिए इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। लेंथ इनकी कितनी होती है? 1.5 मीटर, लगभग 1.5 मीटर लंबे। इसके पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आपने देखा था तो 7.5 मीटर लंबा था। ठीक है ना, सोचिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लॉन्ग लंबा, तो वो 7.5 मीटर इसी में क्वाइट होता है। ठीक है, पूरा उसमें क्वाइट होता है। ये आपका क्या है, स्मॉल होते 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 अब यहां पे आता है।
रेक्टम में, रेक्टम में एक्युमुलेट होता रहता है, ठीक है, रेक्टम में इकट्ठा होता रहता है एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसिस के रूप में। सेमी सॉलिड फीसिस मतलब थोड़ा हार्ड, सेमी सॉलिड फीसिस के रूप में एक्युमुलेट होता है। द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू, और जो फीकल मैटर है इसी को, फीसिस को ही फीकल मैटर कहा गया है। ये फीकल मैटर रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है थ्रू, इसके थ्रू एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है और फिर एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन, ये प्रोसेस इजेशन का रहता है, मतलब रिमूविंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन, ठीक है, इजेशन का। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का भी फंक्शन होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अनडाइजेस्टेड फूड बस इसमें रहता है, उसमें उससे भी ये एब्जॉर्ब करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड से भी ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड साल्ट। ऑल्सो टेक स्नैपशॉट, ओके, थैंक्स।